इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क कर। दिनांक 17 जुलाई 17 जुलाई 1972 में देशभक्त व गांधी जी के सहकारी इंदुलाल याग्निक इनका निधन हुआ। सन 1992 में अभिनेत्री कानन देवी इनका निधन हुआ। सन 1930 में अमरावती में वडाली क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह करने वाले लोगों पर और डॉक्टर भोजराज इन पर कानूनी कार्रवाई की गई और डॉक्टर भोजराज को अटक करते हुए 6 माह की सजा दी गई। सन 1897 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 34 लाइन का टेलीफोन एक्सचेंज प्रारंभ किया गया। सन 1857 में नाना साहब पेशवा 10 हाथियों पर खजाने संग अज्ञात को रवाना हो गए। सन 1992 में अभिनेत्री शांता हुबड़ीकर इनका निधन हुआ। सन 1919 में संगीतकार स्नेहल भाटकर इनका जन्म हुआ। सन 1959 में अभिनेत्री जरीना वहाब इनका जन्म हुआ। सन 1489 में निजाम शाह यह दिल्ली का सुल्तान बना। सन 1682 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल व मद्रास प्रेसिडेंसी अलग अलग की। सन 1995 में अभिनेता दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2002 में महाराष्ट्र में गुटखा व पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया गया। सन 2012 में मृणाल गोरे इनका निधन हुआ। सन 1975 में अमेरिका का अपोलो और रशिया सोयुज यान ये अंतरिक्ष में एक दूसरे से जुड़े। सन 2018 में अभिनेत्री रीटा भादुड़ी इनका निधन हुआ। सन 1988 में आज ही के दिन से वर्ल्ड क्राइम जस्टिस डे मनाना शुरू किया गया। सन 2014 में वर्ल्ड इमोजी डे को मान्यता प्राप्त हुआ। सन 1996 में मद्रास पुनः चेन्नई बना। नमस्कार मंडळी, मी अनिता बाजळ। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सध्या कोरोनाने सगळीकडे थैमान घातलेला आहे आणि आता अनलॉक झाल्यामुळे या कोरोनाला तर खुले मैदानात सापडलेले आहे। त्याच्यामुळे अत्यावश्यक काम असेल तरच घराबाहेर जा। नोकरदार वर्गांना दुसरा पर्याय नाही आहे, त्यांना तर जावंच लागणार आहे। मात्र सतत तोंडाला मास्क असू द्या, सतत आपण सॅनिटायझरने हात सॅनिटाईज करत राहा, स्वतःची आणि स्वतःच्या परिवाराची काळजी घ्या।